नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद ये तस्वीरें देखकर विपक्ष अपना माथा पीट लेगा, क्योंकि जिस सम्मान की दुहाई दे देकर विपक्ष ने नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार तक कर दिया, वही सम्मान जब इन तस्वीरों में दिखा तो विपक्ष अपना मुंह छिपाता घूमेगा। देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को किस तरह से सम्मान दिया, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। दरअसल पीएम मोदी ने देश को नया संसद भवन सौंप दिया है। ये नया संसद भवन लोकतंत्र का नया प्रतीक है। ये देश के लोकतंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण पल है। ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर विपक्ष की मौजूदगी नाम मात्र की ही रही। लगभग समूचे विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, और बहिष्कार के पीछे की वजह थी कि पीएम मोदी इस भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। उनको अपनी जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसका मौका देना चाहिए था। विपक्ष ने तमाम तरह के आरोप लगाए कि बीजेपी दलित विरोधी है, राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करती, महिला का सम्मान नहीं करती, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन आज सुबह सुबह जो तस्वीरें सामने आई वो विपक्ष के लिए करारा झटका जरूर है। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज सुबह सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। वजह थी कंबोडिया नरेश नोरोदोम सिहामोनी की भारत यात्रा। भारत यात्रा पर आए कंबोडिया नरेश नोरोदोम सिहामोनी की आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक होगी। वो 3 दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। कंबोडिया नरेश की राजकीय भारत यात्रा भारत और कंबोडिया के राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने पर हो रहे समारोह के उपलक्ष्य में है। दोनों देशों के बीच 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। कंबोडिया नरेश की भारत यात्रा लगभग 6 दशक बाद हो रही है। इससे पहले वर्तमान कंबोडिया नरेश के पिता 1963 में भारत आए थे। इनके स्वागत के लिए खुद पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे आगे और पीएम मोदी पीछे पीछे चल रहे थे। और जब कंबोडिया नरेश से भारत के अधिकारियों से मुलाकात कराई जा रही थी, तब भी पीएम मोदी पीछे थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे आगे थी। इन्हीं तस्वीरों के बीच एक तस्वीर ये भी देखने को मिली, जब पीएम मोदी के सामने महिला सम्मान में किस तरह से झुक गई, उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने देश की राष्ट्रपति को सम्मान दिया, ये तस्वीरें देखकर पूरा विपक्ष सदमे में जरूर होगा, और ये विपक्ष के लिए एक करारा संदेश भी है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।